नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। एक नई खबर जो निकल के सामने आ रही है और जिसकी एक्सपेक्टेशन जो दी है वो पहले से की जा रही थी, वीकेंड कर्फ्यू है वो राजस्थान में किया जाएगा और बात बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है इस बात की घोषणा कर दी है कि आज शाम यानी शुक्रवार शाम 16 तारीख शाम को 6 बजे से और सोमवार सुबह 5 बजे तक जो है, 19 तारीख जो है सुबह 5 बजे तक जो है वो बाज़ार बंद रहेंगे। यानी नाइट कर्फ्यू का जो है घोषणा थी, उसके बाद में अब ये नई घोषणा जो है वो सामने आई है कि वीकेंड कर्फ्यू कम लॉकडाउन की जो है घोषणा कर दी है। यानी आप आज शुक्रवार 16 तारीख से सोमवार सुबह यानी 19 तारीख जो सुबह 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू की जो है घोषणा कर दी गई है, वीकेंड लॉकडाउन कम कर्फ्यू घोषणा करी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजस्थान से एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, राजस्थान में वीकेंड एंड लॉकडाउन कम कर्फ्यू। प्रदेश भर में आज शाम यानी 16 अप्रैल शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक यानी 19 अप्रैल 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब बंद रहेगा। उपचुनाव वोटिंग को छूट दी जाएगी। नाम कर्फ्यू का लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन वाली ही। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बाजार जो है बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं, फल सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को कर्फ्यू में छूट दी गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसका नाम वीकेंड कर्फ्यू दिया गया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात कोरोना और ग्रुप के साथ बैठक करके शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए प्रदेश भर में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। गहलोत ने देर रात ट्वीट करके इस फैसले की जानकारी दी। शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का बाजार जो है वो बंद रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान 3 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में वोटिंग की छूट रहेगी। आपातकालीन और पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इसे छोड़ शनिवार रविवार को पूरा प्रदेश बंद रहेगा। गहलोत ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। आप सभी से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करें और नियमों की पालना करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो पालन करें। गहलोत ने लिखा है कि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो दूसरे प्रदेशों जैसे विकट हालात राजस्थान में भी उत्पन्न हो जाएंगे। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रदेश के 17 जिलों में कोरोना के अधिक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सभी जिलों में संक्रमण तेजी से फैला है। अब प्रदेश में कोरोना के 6,658 नए मामले और 33 मौतें हुई हैं, इसलिए आज वीकेंड कर्फ्यू का सख्त फैसला लिया गया है। अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति दूसरे प्रदेशों जैसी विकट स्थिति बन सकती है। आमजन से अपील है कि पूरे पूर्व की तरह एकजुटता दिखाएं और एक दूसरे का सहयोग करें। राजस्थान सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रदेश में आज से लागू हो रही गाइडलाइंस, शुरुआती वीकेंड लॉकडाउन से कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने 14 अप्रैल को ही नई गाइडलाइंस जारी की थी। नई गाइडलाइंस आज शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू हो रही थी। नई गाइडलाइंस में सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद करवाने, सार्वजनिक परिवहन में 50% ही यात्रियों को बैठने सहित कई पाबंदियां लागू की गई है। नई गाइडलाइंस लागू होने के दिन की शुरुआत वीकेंड लॉकडाउन कम कर्फ्यू से हो रही है। इन्हें रहेगी वीकेंड लॉकडाउन कम कर्फ्यू में छूट। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ के रविवार को वोटिंग और इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया, फल सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिंग सेवाएं, लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज,
आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दफ्तर, शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्यस्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन वाले वाहन लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग सरकार से अनुमति प्राप्त करेंगे। आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के कारण आज शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं और सरकार की अनुमति प्राप्त सेवाओं को छोड़कर सब बंद रहेगा। रविवार 17 अप्रैल को 3 उपचुनाव की वोटिंग प्रक्रिया कर्फ्यू के दायरे से बाहर गई है। रविवार 17 अप्रैल को सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग प्रक्रिया को कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। जी हां, रविवार 17 अप्रैल को सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीटों पर उपचुनाव को वोटिंग प्रक्रिया से कर्फ्यू से बाहर रखा गया है। तीनों सीटों पर वोट डालने के लिए आने जाने की अनुमति होगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। खबरों का और इंटरव्यू के सिलसिले यूं जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।